देखिए यहाँ पर हमने दो फोटो लिए, एक ये वाला फोटो और एक ये फोटो, और इससे हमने एक नया फोटो यहाँ पर क्रिएट कर लिया इस तरह से। इस तरह से अगर आप फोटो ज्वाइंट करना चाहते हो, ये देखिए ये फोटो है, इस तरह से अगर आप फोटो ज्वाइंट करना चाहते हो तो बहुत ही ईजिली बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊँगा। यहाँ पर देखिए ये वाला एक फ़ोटो था और ये एक फ़ोटो था, दो अलग अलग फ़ोटो हैं, इनको हमने ज्वाइंट करके इस तरह का एक फ़ोटो हमने क्रिएट कर लिया है। इस तरह के फ़ोटो अगर आप बनाना चाहते हो तो बहुत आसानी से बना सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमें इन दोनों फ़ोटो का बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा। जैसा कि देखिए इसमें बैकग्राउंड लगा हुआ है और इसमें भी बैकग्राउंड है, हमें इन फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है उनको हटाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र पर गूगल पर आपको remove.bg सर्च करोगे तो यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन कर लीजिए remove.bg की, ठीक है। यहाँ पर अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, अपलोड इमेज, यहाँ पर क्लिक करेंगे और जिस फ़ोटो का हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है वो फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह से अगर कुछ ऑप्शन आपको फ़ोटो नहीं दिखती हैं तो ब्राउज़ पे क्लिक करिए। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद ऊपर की साइड में 3 लाइंस रहेंगी, यहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो गैलरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हम गैलरी में आ गए हैं, पहला फ़ोटो हम सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने फ़ोटो सिलेक्ट किया ऑटोमेटिकली इसने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया इस फ़ोटो के, और बस हमें सिंपल यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है इस फ़ोटो को, ठीक है। हमारा फ़ोटो यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। हम इसी तरह से दूसरा फ़ोटो भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अपलोड पे क्लिक करते हैं और ब्राउज़ पे क्लिक करके यहाँ पर गैलरी में चले जाते हैं। गैलरी में आने के बाद हम दूसरा अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा हमारा दूसरा फ़ोटो, ठीक है। इसका भी बैकग्राउंड हम रिमूव कर लेते हैं और देखिए अपलोड होते ही यहाँ पर जो बैकग्राउंड है ऑटोमेटिक यहाँ पर रिमूव हो गया है, बस हमें इसको भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करोगे फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये दोनों फ़ोटो हमारे डाउनलोड हो चुके हैं इस तरह से। अब ये देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये फ़ोटो हमारे डाउनलोड हो गए दोनों के दोनों, ठीक है। इनका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, अब हम इनको इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर आना है और एक ऐप डाउनलोड करनी है। यहाँ पर लिखना है आपको पिक्सल लैब, ठीक है। पिक्सल लैब आपको सर्च करना है, यहाँ पर ये इस तरह की ऐप आ जाएगी, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर इस तरह से जैसे उस पर क्लिक करोगे तो ये ऐप ओपन हो जाएगी पिक्सल लैब की, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ऐप को पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो सिंपली यहाँ पर पिक्सल लैब ऐप को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर टेक्स्ट ये लगा हुआ है, इस पर बस क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से इसको टच करोगे एक बार, ऊपर की साइड में ये डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, बॉक्स बना है गोल गोल, यहाँ पर क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। तो ये जो टेक्स्ट था वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर की साइड में यहाँ पर 3 डॉट्स रहते हैं, यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इमेज साइज का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करिए। फ़ोटो की यहाँ पर विड्थ और हाइट डालनी होती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि विड्थ को हम कर देंगे 1200 और यहाँ पर हाइट को हम कर देते हैं यहाँ पर 1400, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ओके कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये फ्रेम बैकग्राउंड के लिए आ गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अपने फ़ोटोज़ को यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे की साइड में देखिए कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, पास करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो नीचे की साइड में आपको यहाँ पर बीच में एक आइकॉन मिल रहा होगा, बीच वाला ऑप्शन, ठीक है, तीसरे नंबर का, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इंपोर्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा सेकेंड नंबर पर, ऊपर की साइड में देखिए यहाँ पर बस आपको क्लिक करना है और आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर फिर से यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करिए, गैलरी पर क्लिक करिए और यहाँ से वो फ़ोटो सिलेक्ट करिए जो हमने अभी जिनका बैकग्राउंड रिमूव किया है। तो पहला फ़ोटो हम ले लेते हैं। जैसे ही पहला फ़ोटो सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर चेक मार्क का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे ये हमारा फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे सिंपली, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये फ़ोटो रख लिया है, अब यहाँ पर हम फ़ोटो को लॉक करके रखना चाहते हैं तो लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पर
लास्ट में ये एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर लॉक का निशान बना हुआ है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये रेड हो जाता है और वापस से इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू बंद हो जाएगा। अब देखिए फ़ोटो को मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, तो ये फ़ोटो हमारा यहाँ पर लॉक हो चुका है। अब सिंपली हम दूसरा फ़ोटो लेंगे तो यहाँ पर फिर से नीचे की साइड में इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे, इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से थ्री डॉट्स लाइन्स पर क्लिक करेंगे, गैलरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दूसरा फ़ोटो अपना ले लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा फ़ोटो हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद चेक मार्क पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारा ये दूसरा फ़ोटो आ जाएगा। अब इसको भी हम इस तरह से बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करने के बाद इस तरह से एडजस्ट कर लेना है आपको कहाँ पे फ़ोटो इसको फ़ोटो को रखना चाहते हो। तो इस तरह से हम फ़ोटो को यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, फ़ोटो को हमने यहाँ पर रख लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से ये लास्ट में जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस वाले फ़ोटो को हम लॉक कर देंगे और पहला जो हमने लॉक कर दिया था इसको अनलॉक कर देंगे, क्योंकि ये वाला फ़ोटो थोड़ा सा ज़्यादा उस साइड है तो थोड़ा सा हम इसको इस साइड करेंगे, ठीक है, एडजस्ट करेंगे सही से। तो देखिए ये हमारा फ़ोटो सही से एडजस्ट कर लेना है इस तरह से आपको अपने हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कलर डार्क है और यहाँ पर ज़्यादा वाइट है, तो क्या करेंगे इस फ़ोटो पर एक बार टैप करेंगे, उसके बाद नीचे की साइड में कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, इस तरह से ड्रैग करना है आपको और यहाँ पर एक कलर फिल्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, कलर फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड में ब्राइटनेस का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देंगे और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं, हल्का सा, नहीं भी बढ़ाओगे तो भी चलेगा, ठीक है, हल्का सा बढ़ा देते हैं और ब्राइटनेस ये आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, क्योंकि मैं इस फ़ोटो में अलग, ये फ़ोटो थोड़े अलग थे तो मैं इनको बराबर मैच कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ब्राइटनेस इसकी बढ़ा ली है, चेक मार्क पे क्लिक करेंगे, ये हमारी ब्राइटनेस इसकी बढ़ चुकी है थोड़ी सी, ठीक है, इस तरह से एडजस्ट कर लेना है अगर ब्राइटनेस किसी की ज़्यादा है या कम है। उसके बाद यहाँ पर हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, लेकिन उससे पहले इस फ़ोटो को भी हम लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे और इसको भी लॉक कर देंगे, दोनों में रेड रेड यहाँ पर लॉक का निशान बन के आ गया है, वापस से इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू बंद हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, तो उसके लिए नीचे की साइड में देखिए फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। अभी तक हमने थ्री नंबर के ऑप्शन से ही सारे काम किए, अब यहाँ पर फोर्थ नंबर पे क्लिक करेंगे। फोर्थ नंबर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको कलर का मिलेगा। मान लीजिए आप बैकग्राउंड में कोई कलर रखना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। पहला ऊपर का ऑप्शन कलर्स का है और नीचे ग्रेडियंट का है। ग्रेडियंट दो कलर मिक्स करके बनता है, तो ये देखिए दो कलर मिक्स करके यहाँ पर ग्रेडियंट बना हुआ है। इस तरह से यहाँ पर कलर्स सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। ऊपर की साइड में सिंगल कलर हैं, अगर एक कलर का कोई कलर सिर्फ सेलेक्ट करना चाहते हो बैकग्राउंड के लिए और चेक मार्क पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो कलर यहाँ पर सेट हो जाएगा। लेकिन हम बैकग्राउंड में कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर कलर का ऑप्शन है तो थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर फ्रॉम गैलरी लिखा हुआ है। फ्रॉम गैलरी पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से हमें फ़ोटो सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। फिर से थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे, गैलरी पे क्लिक करेंगे और आपको फ़ोटो डाउनलोड करके रख लेना है, जो भी फ़ोटो आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले से ही एक बैकग्राउंड यहाँ पर डाउनलोड करके रखा था, यहाँ पर ये बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिक इसने साइज ले लिया है, बस हमें चेक मार्क पे क्लिक कर देना है और ये हमारे बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। देखिए फ़ोटो के बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक ये बैकग्राउंड जो हमने डाउनलोड करके अभी लगाया बैकग्राउंड में वो ऑटोमेटिक सेट हो गया है। अब यहाँ पर हमारा फ़ोटो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड में सेकंड नंबर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट वाले पे क्लिक नहीं करना है, पहले वाले ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है, आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एज इमेज, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर कस्टम का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पर एरो भी बना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड में सबसे हाई क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे, अल्ट्रा लिखा हुआ है, जिसमें अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इतना काम करते हो तो आपका फ़ोटो जो है वो गैलरी में आपकी सेव हो जाता है। मैं बैक करता हूँ और बैक करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ, ये अभी फ़ोटो हमने इनका बैकग्राउंड रिमूव किया था
और अभी ये फ़ोटो हमारा सेव किया हमने, ये आ चुका है ये फ़ोटो, ठीक है। इस तरह से आप फ़ोटो क्रिएट कर सकते हो, दो अलग अलग फ़ोटो को ज्वाइंट करके एक नया फ़ोटो क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके फैमिली मेंबर में कुछ फ़ोटोज़ पड़े हैं उनको आप ज्वाइंट करना चाहते हो, तो इस तरह से बहुत ही ईजिली बना सकते हो अपना फ़ोटो। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।